इस वक्त की बड़ी खबर संभल से आ रही है, जहां जिला अस्पताल में जल्द संचालित होगा ब्लड बैंक। जी हां, इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर यही है कि संभल के जिला अस्पताल में बहुत जल्द ब्लड बैंक शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और सभी उपकरण जिला अस्पताल आ गए हैं। आपको बता दें, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर नौशाद अंसारी की निगरानी में चलेगा जिला अस्पताल में ब्लड बैंक। यूपी सरकार का संभल वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा ब्लड बैंक के रूप में मिला है। अब मरीजों को प्राइवेट ब्लड बैंक या मुरादाबाद जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिला अस्पताल से मिलेगा जरूरतमंद लोगों को ब्लड। जानकारी देते हुए अवधेश कुमार ने बताया कि मेरा अवधेश कुमार अवधेश जी, अभी ये कुछ सामान आया है, क्या है सामान? ये ब्लड बैंक का सामान है, ये कलेक्शन चेयर वगैरह, कलेक्शन चेयर है और भी कुछ सामान रखा हुआ है। अभी तक यहाँ स्टोरेज चल रहा है, जब से ब्लड बैंक कम हो ही जाएगा जिला संयुक्त चिकित्सालय में। चिकित्सालय संभल यहाँ के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर संदीप कपूर थे, अब जो हमारे न्यू इंचार्ज आए हैं डॉक्टर नौशाद अंसारी पैथोलॉजिस्ट। क्या क्या जल्दी जो है कब आया? जल्दी से जल्द। इस सामान में क्या क्या चीज़ें आई हैं? इसमें भैया ब्लड कलेक्शन चेयर है। अच्छा,